हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक की, एक छोटी कंपनी की, नाम है उसका पीएमसी फिनकॉर्प। काफ़ी मोमेंटम में है स्टॉक, काफ़ी ऊपर आया हुआ है और सर्किट टू सर्किट भी चलता हुआ नजर आ रहा है। तो बात करते हैं पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड। प्राइस है इसका 1 रुपया। आज की रेंज देखेंगे तो लो भी इसका 1 रुपया है और हाई साइड भी देखेंगे तो 1 रुपये का ही है। तो अभी 4.17, 4 पैसे ऊपर जो है एक सर्किट में है। 52 वीक रेंज को देखेंगे तो 19 पैसे की 52 वीक रेंज और 1 रुपये का हाई जो इसने आज बनाया है तो 52 वीक हाई पर है। तो नीचे के लेवल से 5 गुना ये शेयर ऑलरेडी हो चुका है। इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाई थी और बताया था कि इस लेवल के ऊपर इसे लिया जा सकता है, बट पेनी स्टॉक को पेनी स्टॉक की तरह ही लेना चाहिए। आपका छोटा पैसा ही उसके अंदर होना चाहिए क्योंकि ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं। पर इसके ऊपर क्या कुछ फंडामेंटल्स ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से इसे हमें कंसिडर करना चाहिए। तो रिजल्ट्स कैसे अनाउंस किए थे, रिजल्ट्स कब अनाउंस हुए थे वो देखेंगे, और क्या टारगेट्स इसके अब बनते हैं अपर सर्किट में, कितना ऊपर ये जा सकता है, क्या ऑपरेटर ड्रिवन ये पूरी रैली है या कुछ इसे फंडामेंटल भी सपोर्ट करते हैं। तो फंडामेंटल पे एक बार जरूर नज़र डालेंगे और उसके बाद देखेंगे टेक्निकल्स, किस टाइप के इसके टेक्निकल्स बताते हैं। तो बात करते हैं पीएमसी फिनकॉर्प। आप देख सकते हैं जो 20 दिनों का एवरेज वॉल्यूम था 28,25,000 के आसपास था, आज 17,35,000 के आसपास का वॉल्यूम आज भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जो कॉर्पोरेट एक्शन था इसका, आप देख सकते हैं 12 फरवरी को इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे। इसके बाद देखेंगे हम रिजल्ट्स किस टाइप के हैं इसके और किस टाइप से इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो काफ़ी कम शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है प्रमोटर के पास होल्डिंग है 20.29% के आसपास। बट अच्छी बात यह है कि कोई भी शेयर प्लज नहीं है इसके अंदर और पिछले काफ़ी क्वार्टर से इन्होंने इस होल्डिंग को मेंटेन किया हुआ है। डीआईआई के पास देखेंगे तो इस टाइम कोई भी होल्डिंग नहीं है दिसंबर 20 में। पब्लिक के पास देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 79.71 के आसपास की होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक के पास दिखाई देगी। इसके बाद देखते हैं किस टाइप की कंपनी है। 48.9 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है और आरओसी देखेंगे तो पॉजिटिव है 3.34%, आरओई देखेंगे 2.09%, ये भी प्लस में है। 7.88 करोड़ का इसके ऊपर डेट है जो कि 0.11 बनता है, जो कि निगलिजिबल है और मैनेजेबल भी कह सकते हैं। अगर मैनेजमेंट इसे सही ढंग से मैनेज करे तो ये आने वाले टाइम में निल भी हो सकता है। प्लज जो भी है शेयर कुछ भी नहीं है जैसे अभी हमने देखा। इंडस्ट्री पी 16.9 की है जबकि अभी ये शेयर जो है 14.6 के आसपास काम कर रहा है, तो इंडस्ट्री पी से नीचे ही काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। बुक वैल्यू 1.39 की है और अभी शेयर प्राइस जैसे लाइव मार्केट हमने देखा 1 रुपये का है, तो 0.7 के आसपास की प्राइस टू बुक वैल्यू बनती है, यानी 30% के आसपास डिस्काउंट के ऊपर अभी भी शेयर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। फेस वैल्यू 1 की है, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं तो 0 है, और 52 वीक हाई जैसे मैंने बताया आज इसने 1 रुपीज का हाई लगाया है, लो जो है 0.19 का है। आप देख सकते हैं पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड रजिस्टर्ड विद आरबीआई एज ए एनबीएफसी एंड एंगेज इन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एंड पर्सनल फाइनेंस, डेट सिंडिकेशन, प्राइवेट प्लेसमेंट, अरेंजर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड डीलिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। तो इस टाइप की ये कंपनी है, आरबीआई रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी है, और स्टॉक जो है काफ़ी टाइम से जो है 10 अगस्त को जब 29 पैसे को इसने क्रॉस किया था तो उसके बाद 200 डीएमए से ऊपर ही स्टॉक बना हुआ है। आप यहां देख सकते हैं 19 पैसे 20 पैसे तक यहां पर स्टॉक आया था 4 जून के आसपास, उसके बाद यहां से 5 गुना के आसपास स्टॉक चल चुका है। इसके बाद देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स किस टाइप के हैं इसके। सेल्स जो थी 2.73 के आसपास की सेल्स दिसंबर 2020 में दी है, पिछले क्वार्टर में 0.85 की थी और दिसंबर 2019 में देखेंगे तो 1.62 थी, और आप देखेंगे ये हाईएस्ट एवर जो है सेल्स आपको दिखाई देगी। एक क्वार्टर में 3.90 तक जरूर गए हैं काफ़ी पहले और यहाँ पर 5.23 के आसपास, तो पिछले 3 क्वार्टर में आप देखेंगे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस आपको रिड्यूस होते हुए दिखाई देंगे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 0.20 के आसपास एक्सपेंसेस हैं, पिछले क्वार्टर में 0.27 थे, दिसंबर 2019 में 0.68 थे, और यहाँ पर भी आप देखेंगे मार्च 2020 में काफ़ी हाई एक्सपेंसेस थे 4.70 के आसपास, और यहाँ पर एक्सपेंसेस काफ़ी इन्होंने अपने रिड्यूस किए हैं 0.20 के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो एक क्वार्टर को छोड़कर आपको सभी क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है प्लस में ही दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में है और 2.53 के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 0.58 था और दिसंबर 2019 में 0.94 के आसपास था। इसके बाद आप देखेंगे ओपीएम परसेंटेज जो है किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी मेन होती है, तो एक क्वार्टर को छोड़ के जो हमने अभी डिस्कस किया मार्च 2019 का, उसके बाद
अब देखेंगे काफ़ी अच्छी ओपनिंग परसेंटेज है और ये इंक्रीज होती हुई आपको नज़र आ रही है। पिछले क्वार्टर में 68% के आसपास था, दिसंबर 2019 में 58%, बट अब जो है 92% के आसपास ये ओपनिंग परसेंटेज आपको देखने को मिल रही है। अदर इनकम इनकी किसी भी क्वार्टर में कुछ भी नहीं रही है, जीरो है। इंटरेस्ट जो पे करते हैं 0.13 के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में इन्होंने 0.18 पे किया था और दिसंबर 2019 में 0.25 किया था। तो आप देख सकते हैं बीच में ये नील भी हो गया था, अगेन जो है इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं बट ये रिड्यूस होता हुआ आपको नजर आ रहा है 0.20, 0.18, 0.13। तो ये काफी अच्छी चीज है कि डेट जो है रिड्यूस हो रहा है, इंटरेस्ट ये कम पे कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2019 के बाद जो 5 क्वार्टर है वो लगातार इनके प्रॉफिट्स में है और प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। 2.40 जो नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 0.39 था और दिसंबर 2019 में 0.69 था। तो काफ़ी अच्छा 3 गुने से भी ज़्यादा प्रॉफिट्स यहाँ पर ये दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अगर देखें जो डेट है इनके ऊपर 10.68 के आसपास जो होता था अब 7.88 के आसपास है। रिजर्व 16.83 से 19.69 है। शेयर कैपिटल काफ़ी इन्होंने इंक्रीज कर रखी है अपनी, जो कि सही चीज़ नज़र नहीं आती है। नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा है, 8.92 से 50.91 के आसपास है। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स भी आप देखेंगे तो 51.58 से इंक्रीज होकर 80.34 के आसपास हैं। तो डेट काफ़ी कम है और जो है प्रॉफिट्स अच्छे बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर जो कंपनी थोड़ी ग्रो करती हुई जरूर नजर आ रही है, जिसकी वजह से सर्किट टू सर्किट शेयर भी ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली भी ये शेयर जो है सपोर्ट कर रही है जो रैली है। डेटर डेज देखेंगे आप तो 0 है, यानी ये जो भी अपनी सर्विसेज देते हैं या तो एडवांस में पैसा लेते हैं या ऑन डिलीवरी पैसा लेते हैं, तो इनको अपनी सर्विसेज के एवज में जो पैसा मिलता है काफ़ी सही ढंग से मिलता है, जो काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग जैसे मैंने पहले भी बताया 20.29 के आसपास है और पब्लिक होल्डिंग काफ़ी हाई है 79.91% के आसपास है, जो कि काफ़ी हाई नज़र आती है। इसमें से कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में जरूर हैं 4-5% के आसपास, फिर भी आप देखेंगे रिटेलर के पास काफ़ी ज़्यादा स्टेक इसका दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें डेली चार्ट के ऊपर तो ये स्टॉक जो है आपको इस टाइप से दिखाई देगा, जो कि आप देखेंगे इस एरिया में हमने पहले भी जब वीडियोस बनाई थी जब भी हमने बताया था कि अगर ये 72 के आसपास जो लेवल है 72 से लेके इस वाले जोन को क्रॉस करता है 72 से 75 तो एक अच्छी रैली ये दिखाता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि इसका काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस था। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको काफ़ी अच्छे ढंग से इसने क्रॉस किया है इस बार। तो पहले भी ये इस लेवल तक गया था, आप देख सकते हैं लगभग इस लेवल तक गया था, यहीं से ये रिजेक्ट होकर नीचे आया था और यहीं पर हमने वीडियो भी बनाया था कि इस लेवल के ऊपर डाउनसाइड रिस्क काफ़ी कम है और अगर ये शेयर 30 पैसे 25 पैसे के आसपास मिलता तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए। तो यहाँ से शेयर जो है रिवर्स हुआ, ऊपर गया अगेन, जो है शेयर 61 पैसे तक गया था यहाँ से, जो 40 पैसे के आसपास से 50% रिटर्न यहाँ पर भी निकाल के दिया, अगेन सर्किट टू सर्किट नीचे आया, कंसोलिडेट किया और उसके बाद जब इसने 72 से 75 पैसे का ये पूरा जोन था इसे क्रॉस किया है तो आप देख सकते हैं अच्छी रैली ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 1 रुपये को भी इसने टच किया है। अब सर्किट टू सर्किट जब शेयर ऊपर जाता है तो यहाँ पर जो इस टाइप के जो रेजिस्टेंस जोन को इसने ब्रेक किया है, क्रॉस किया है और ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 1.4 के लेवल को इजीली टच करता हुआ नजर आ सकता है। अगर इसे हम वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर आपको जो शेयर है इस टाइप से नजर आएगा, जो हमने अभी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की थी वो आपको इस टाइप से नजर आएंगी। तो ये जो शेयर है आप देख सकते हैं 1 रुपये के लेवल के आसपास इस टाइम काम कर रहा है और 1 रुपये 40 पैसे 1 रुपये 50 पैसे तक इजीली ये टच करता हुआ आपको नजर आएगा। बट जो रैली इस टाइप की होती है, एक वर्टिकल रैली होती है, उसके अंदर बिल्कुल एक लेवल के बाद अलर्ट रहना चाहिए, ज़्यादा ग्रीड आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, पहले से ही आपका टारगेट्स फिक्स होने चाहिए, क्योंकि जब सर्किट टू सर्किट ये शेयर ऊपर जाते हैं तो सर्किट टू सर्किट ही फिर ये नीचे भी आना स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट आप 47 पैसे के आसपास से ये शेयर है लगातार सर्किट टू सर्किट ऊपर जा रहा है और डबल से ज़्यादा ये हो चुका है और 1 रुपये 40 पैसे 50 पैसे तक इजीली ये जा सकता है। और बट आपको वहाँ पर एक अलर्ट होने की ज़रूरत है, अपना टारगेट फिक्स करने की ज़रूरत है कि कितना पैसा आपको उसके अंदर चाहिए, क्योंकि जो वर्टिकल रैलीज होती हैं वो इसी टाइप से घूमती हुई भी नज़र आती हैं, जैसे आपने कई स्टॉक्स में पहले भी देखा होगा और पेनी स्टॉक्स में देखा होगा। तो एक छोटी कंपनी है और छोटा ही स्टॉक है और छोटा ही पैसा इसके अंदर आपको लगा के चलना है, जैसे हमने हर वीडियो में बताया अपने पेनी स्टॉक के पोर्टफोलियो को भी, जो पूरा पोर्टफोलियो है सिर्फ 2 से 3% होना चाहिए और उसको भी डाइवर्सिफाइड करके 4 से 5 स्टॉक्स के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की कंपनी कभी भी आपको
नीचे आते हुए शेयर्स दिखाई दे सकते हैं, तो आपको रॉक बॉटम प्राइस पे इनको लेना है और ऊपर के लेवल पे इनको निकालना होता है। तो एक टारगेट फिक्स करके इसको आप चलना है। फंडामेंटल जरूर इम्प्रूव हो रहे हैं, बट आने वाले क्वार्टर्स देखने होंगे किस टाइप से आने वाले क्वार्टर में परफॉर्म करते हैं। इस क्वार्टर के रिजल्ट इन्होंने काफ़ी अच्छे शो किए हैं, तो आप देख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस शेयर को कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।